नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। पूरे देश में कुछ विशेष जगहों पर कोरोना के टीके का ड्राई रन चल रहा है। इससे पहले सरकार और विपक्ष अपने अपने स्तर से राजनीति शुरू कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि पूरे देश के लोगों को फ्री में टीका नहीं लगेगा। उसी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति के दिन से यूपी में भी ड्राई रन चलेगा। शनिवार को गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति कोरोना को लेकर बहुत खराब, जबकि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ भारत में लड़ाई काफी सफल रही। योगी ने आगे कहा कि प्रदेश के 6 जिलों में ड्राई रन चल रहा है और मकर संक्रांति से प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कोरोना टीकाकरण के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही, वैक्सीन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन सिस्टम तैयार करने के लिए कोशिश तेज कर दी गई। इसी बीच बीजेपी पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा क्योंकि इस वैक्सीन पर विश्वास नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तो मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एक तरह से बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकशी शुरू हो गई और वैक्सीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है।